बातों को सुनिए और समझिए। क्लास टेंथ सेकेंड चैप्टर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लिए। देन हम लोगों ने नॉन मेटल्स के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किए और उसके बारे में भी जानकारी लिए। फिर हम लोग किसके बारे में कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में किसके बारे में जानकारी लेना है, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी लेना है कि कंपाउंड कोई सा भी हो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आपके लिए है। इसी से संबंधित बातें हम लोगों को सीखना है, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। जानकारी जो लेना शुरू किया और किसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले जाना आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बंध कहते किसे हैं। तो आयनिक बंध किसे कहते थे, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वे आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और आयनिक बॉन्ड की बात किया जाए तो ये कहाँ बनते थे, एक प्रबल धन विद्युते और एक प्रबल ऋण विद्युते तत्व के बीच में बनते हैं। इसके अलावा फिर बातें ये जो प्रबल धन और प्रबल ऋण विद्युते तत्व होते थे वो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते थे, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा किसके द्वारा जुड़े होते थे, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते थे, जिससे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकताएं भी होंगी। इसके अलावा फिर बात यह थी कि प्रबल धन विद्युते कौन होता है, प्रबल ऋण विद्युते कौन होते हैं। तो आपको एक लाइन बता दी गई थी जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट कर दिए थे कि आवर्त सारणी में पहले और दूसरे वर्ग के तत्व प्रबल धन विद्युते तत्व कहलाते हैं, जबकि आवर्त सारणी में 17वें या 7वें वर्ग के तत्व प्रबल ऋण विद्युते तत्व कहलाते हैं। यदि कोई एक पहले या दूसरे वर्ग का तत्व और कोई एक 7वें वर्ग का तत्व होगा तो उसके बीच में कौन सा बांड बनेगा, आयनिक बांड बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल पर जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार का ही क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 में, पॉलिटेक्निक एग्जाम 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन यह था कि निम्न में किस में आयनिक बंध है। तो किस में आयनिक बंध रहा होगा, जिसमें एक पहले या दूसरे वर्ग का तत्व रहा हो और एक 7वें या 17वें वर्ग का तत्व रहा हो। तो उसमें जो ऑप्शन सही था वह क्या था, MgCl2 था। तो अब ये देखिए मैग्नीशियम क्या हो गया, दूसरे वर्ग का, और Cl कैसा हो गया, 7वें या 17वें वर्ग का तत्व हो गया। तो इसी प्रकार आपको पहचान लेना होगा। तो बंध की डिफिनेशन तो कर चुके हैं, अब हम लोग जानकारी लेंगे कि आयनिक बंध बनते कब हैं, जिसके लिए आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा, आयनिक बंध कब बनते हैं। हेडिंग लिखे, फिर क्या करते हैं, बात अपनी शुरू करते हैं। हेडिंग लिखे, आयनिक बंध कब बनते हैं। लिखे इसके अंतर्गत, तो आयनिक बंध कब बनेगा, जब एक प्रबल धन विद्युति और एक प्रबल ऋण विद्युति होता है। लिखिएगा नंबर एक, जब एक प्रबल धन विद्युति और एक प्रबल ऋण विद्युति तत्व होता है तो उसके
उसके मध्य आयनिक बंध बनता है, तो उसके मध्य आयनिक बंध बनता है। और परबल धन विद्युति क्या है, परबल ऋण विद्युति क्या है, ये जान चुके हैं कि आवर्त सारणी में पहले या दूसरे वर्ग के तत्व परबल, धन विद्युति तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व परबल, ऋण विद्युति तत्व होते हैं। फिर पॉइंट बना के देखना होगा, ये जो आयनिक बांड होते हैं ये एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉइंट बना करके लिखिएगा, आयनिक बंध एक दूसरे से परबल स्थिर, एक दूसरे से परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक बंध बनने में ना एक बातें और भी होती हैं, जैसे सपोज दैट आपसे कहा जाए कोई कंपाउंड एक्स है और कोई कंपाउंड वाई है, इसमें आपसे कह दिया कि एक्स की विद्युत ऋणात्मकता आपसे कह दिया कि 2.5 है और आपसे कह दिया कि वाई की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कितनी है, 0.5, वाई की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 0.5 है, तो इसके बीच में कौन सा बांड बनेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे जानोगे, आप तो एक बात जान रखे हो कि पहले या सातवें का होगा, पहले या दूसरे वर्ग का, एक तत्व एक सातवें का आयनिक बांड बन गया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, एक्स है और वाई है, एक्स कितनी वाई कितनी, तो क्या बनेगा क्या पता। तो आप आसानी इसके लिए एक लाइन, यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या इससे अधिक, यदि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या इससे अधिक होता है तो उसके बीच में आयनिक बांड बनता है। जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या उससे अधिक तो आयनिक बांड बनेगा। तो दोनों को घटाओ, एक्स और वाई का डिफरेंस, डिफरेंस एक्स वाई बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई करो तो 2.5 - 5 बराबर कितना होगा, 2, और ये क्या है 1.7 से ज्यादा है, तो इसके बीच में कौन सा बांड बनेगा, आयनिक बांड बनेगा। लिखिए इसके अंतर्गत नंबर दो लिखिए, जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या इससे अधिक होता है, 1.7 या इससे अधिक होता है तो उसके बीच आयनिक बंध बनता है, तो उसके बीच आयनिक बंध बनता है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना होता है, 1.7 या इससे अधिक, तो आयनिक बांड बनेगा। ये बातें करने समझ लेते हैं। हेडिंग लिखे लक्षण, आयनिक यौगिकों के लक्षण, समझदार हो तो सिर्फ लक्षण, नहीं तो आयनिक यौगिकों के लक्षण। आयनिक यौगिकों के लक्षण में नंबर एक बातें सुनिएगा फिर लिखिएगा, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, बातें हैं क्यों, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक
एक दूसरे से परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बाधे होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आने के योगिक गलनांक और क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बाधे होते हैं, जैसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो नंबर एक सबसे पहली बात है, यही लिखिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक लक्षण में नंबर एक ये लिखना है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बाधे होते हैं, जैसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर एक बात सुनिएगा, आयनिक यौगिक की बात किया जाए तो ये कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये विलयन में विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये विलयन में विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। नंबर दो लिखिएगा, आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ये विलयन में विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाते हैं। यहां पर आने के बाद आयनिक बांड की बातें समाप्त होती है। अब नेक्स्ट बांड सहसंयोजक के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा सहसंयोजक बंध। कोवैलेंट बंध। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। आयनिक के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया कि आयनिक बांड किसे कहते हैं, तो आयनिक बांड किसे कहते थे? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता था उसे आयनिक। सहसंयोजक किसे कहते हैं? सुनिएगा, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। बस समझो, वहां क्या था? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण था। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों में ही पार्टिसिपेट करता है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है
उसे आयनिक बंध कहते हैं। लिखिएगा, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक पॉइंट बना के लिखिएगा, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में भाग लेता है। एग्जाम्पल में ये कहा, दो बातें दर्शा दीजिए, ये कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के नाम पर इसे बना दीजिएगा। जैसे बना है आप मूद के बना दीजिए, ऐसे ही वो कुछ सोचिए समझिए नहीं, आगे सिखाएंगे आपको। बनाने के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग लिखना है, सहसंयोजक बंध कब बनते हैं। यही हेडिंग ही लिख करके छोड़ दीजिएगा कि सहसंयोजक बंध कब बनते हैं। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।